माँ का सूरज का काम शुरू हो गया है। यहाँ पर गोबर निकाल दिया है और भैंस को नहलाते समय पूरा भीग गई। आज सुबह सुबह ही भैंस को नहला दिया क्योंकि आज ये जंगल क्यों नहीं गया, इसलिए इसको सुबह सुबह नहला दिया है माँ ने। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग कहते हैं आप सभी को, और गुड मॉर्निंग की शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है। तो माँ लेके चल रही है गोबर खेत में डालने के लिए, और मैं भी कुछ काम के लिए नीचे की ओर जाते हैं और देखते हैं क्या कुछ इस ब्लॉग में होता है। आप बने रहे मेरे साथ। खेत मेरे को भारी हो रहा है कुड़ी। चल फिर और जो हमारे पुलम थे ना वो पक तो गए हैं, और ये पर जो धूप से ज़्यादा पके हैं ना वो सड़ने भी लग गए हैं। और इसका होता है कि ये इस सूरत में टिपा जाता है कि हल्का सा सफ़ेद होना चाहिए और लाल होना चाहिए। अब ऐसा है कि सभी लाल होने लग गए, तो इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आ रहा है। देखिए दीदी अभी हरा साग ढूंढ रही है, बत्थू का दिखा, हाथ दिखा। तो ये है बत्थू का साग। तो आज हम मॉर्निंग में बत्थू का साग खाया जाएगा। तो कहीं कहीं पर था ये, तो उसका साग। और ही कुछ ऐसे चमक रहा है। जो दीदी लाई थी सब्जी खेत से वो सगड़े में कुछ इस पर गाड़ पक रही है, और माँ हमारे लिए आटा गूंद रही है, और अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रोटी बनी जाएगी, हरी सब्जी के साथ खाएंगे। ये है बिथवा का साग, बिल्कुल हरा, और साथ में एक दो चम्मच घी के चार पांच रोटी। ब्रेकफास्ट करते हैं और मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। यहाँ पर ऐसा हो रखा है कि केला पक रखा है उसमें, तो उस केले को काटते हैं, और ऐसा कहते हैं कि जिसने पहले देखा होता है उसको खाना पड़ता है वो केला। तो ये है यहाँ पर एक केले की घड़ी, तो आप लोगों को तो दिख नहीं रहा होगा, और तो इसको सट से काटते हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसे करके इसको उसमें डालेंगे। माँ और बेटे में कुछ डिस्कस हो रहा है, बेटा इसका उच्छेद कर रहा है। तो अभी हम आए हैं अपने किचन गार्डन की ओर, गाढ़ भीड़ में, और गाढ़ भीड़ में सबसे ज्यादा उच्छेद ये कर रहा है। ये आड़ू का पेड़ है और इस पेड़ में जा रहा है, और इसकी माँ ने लगाया थोड़ा सा डंडा। नीचे उतर बिनी, नीचे उतर। शुभारम्भ इसके हाथों से होगा, जोर से कर। हाँ शाबाश, जोर ये लगा रहा है, माँ का एक्सप्रेशन वहां दिख रहा है। ये वो ऐसा कुछ होता है, वो जो लगा रहा है वो काट रहा है, वो उसका एक्सप्रेशन हो रहा है। यहाँ है ये केला, ऐसा जैसा होता है ये, ऐसा जैसा छोटे छोटे शहरों में और ये घटनाएं होती हैं। और नानी आज बहुत खुश है, मैं अभी दिखाता हूँ क्यों खुश है। क्यों खुश है? सदन ड्रॉगर आप वो देखो, ये है खुशी का कारण। ये पछी आला तो आप तो ये गिरेगा है शू डॉगर का तल के, बिच्छू का आज भी लगेगी उसमें। तो डॉग इधर में पका ले उतना, वो डॉर हरी वो खोटन में अलजोनी वालों घुरियाला पास पजा तो डॉग लोल। ये है वो, जल्दी आप पर आप सब तो दो वहां से, नहीं वहां से, यहां से इतर बटिया ना कैसे आएगा आप मन तो किचु ये खाएगा बहुत। तो ये नानी ये लाया है तो ये सब यही खाएगा? नहीं ये वाला खाएगा, ये इसके लिए तो अच्छा है। ये देख कितना बड़ा है ना ये,
और ये है मम्मी के हाथ में केले की घड़ी। पकड़ा, इसको पकड़ा। क्या टूट गया? बस बस टूट गई। और केले तो हम लागे हैं, केले के पेड़ का क्या करते हैं? ये माँ अभी भैंस के लिए छोटे छोटे टुकड़े करके उसके लिए ये कुछ खाने का बना रही है और बड़े चाव से खाता है भैंस। और ये ठंडक का काम करता है क्योंकि आजकल गर्मी है, तो जितना हम केला खिला सकते हैं भैंस को वो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मेरे हाथ में इतने लाल लाल, ये सबसे बड़ा आलूबुखारा है और ये पुलम है, आलूबुखारा और पुलम। इसको दिन भर का इनाम मिल रखा है। क्या है ये बिकी? आलूबुखारा। आलूबुखारा खाने में कैसा है? रगड़ा नहीं। और इसकी माँ ये यहाँ पर खा रही है। और दिन के टाइम पर इतनी खतरनाक वाली धूप पड़ रही है ना, अगर हमारे पास ये अखरोट के पेड़ नहीं होते, आसपास पेड़ नहीं होते, तो मान के चलो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तापमान होता, और जिसकी वजह से पेड़ों की वजह से यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो जिसकी वजह से तापमान बिल्कुल मेंटेन हो जा रहा है। तो इसलिए पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। और अखरोट का पेड़ तो बहुत अच्छा होता है, अखरोट हो गया हमारे वहाँ, और एक वो बड़ा सा पेड़ जिसे टूणी कहते हैं, टूणी का पेड़ भी हवा के लिए सबसे अच्छा होता है। तो अभी दिन का वक्त हो रहा है और लंच नहीं किया है, तो थोड़ी देर के बाद लंच करते हैं और फिर शाम को मिलते हैं आप लोगों से। अभी हम शाम को प्याज खोदने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि 2-3 दिन लगातार बारिश होगी, तो प्याज हमने कब से नहीं खोदा है। और मेरे पास 2 डोके हैं, तुमको चाहिए तो हमसे बोलना ना, हम भेज देंगे जिसको चाहिए। तो प्याज देखते हैं कितना होता है। बाकी कुछ ऐसे करके जा रहा हूँ, और मौसम अभी बारिश होती है थोड़ी देर के बाद। ये मेरी सेना कुछ ऐसी है ये। और यहाँ पर मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कब क्या हो जाए, तो मौसम के डर की वजह से हम अभी लगे हैं प्याज की ओर। प्याज के खेत में जाते हैं और देखते हैं कितना सारा प्याज होता है। और ये ले जा रहे हैं डोके में लगातार। ये इसने अपना डोका भरा, उल्टा लगा दिया, ये पीछे वाला आगे लगा दिया। आगे वाले दाने तो आगे हैं। हाँ, इन दोनों को लगाते हैं कंधे में। हाँ, ये शाबाश, गुड। और डालूं भाई आज भारी कितना हो रहा है रे, इतना भारी लेके जा रहा है ये डोके के बराबर तो खुद ही है तू, है रे लौंड। तो अब धीरे धीरे सब लोग ट्राई कर रहे हैं और पापा प्याज ढूंढ रहे हैं। ये वाले खेत में हम लोगों ने प्याज लगाया हुआ था, तो तुरंत कार्रवाई हो रही है क्योंकि बारिश होने वाली है, तो इसलिए तुरंत कार्रवाई। ऐसे घुमा, ऐसे ऐसे ऐसे। और लास्ट में अब माँ को देख और पीछे सब दीदी प्याज के दानों को उठा रही है। ये अब माँ को धीरे धीरे आने लग गया ट्रैक्टर चलाना।
अब सारा काम करने के बाद अब घर को जाते हैं, और घर जाने समय खाली हाथ तो मेरे को भेजते नहीं है, तो इसलिए ये घास का बिल्कुल भरा हुआ डोका लेके जा रहा हूँ घर। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, राम राम। क्यों विक्की? ओके बाय।